और एक और चीज़ उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट किया कि भाई अजीत सलाल की जाके वीडियो देखो, भाई ऐसे बंदे से कभी एडवाइस मत लो जिसने खुद वो चीज़ नहीं ली हो। अगर आप लोगों ने साम्स नहीं लिए हैं तो आप होते कौन हो भाई बोलने वाले? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सबसे बड़ी बात। आप लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज है, बहुत बढ़िया है, सर्टिफिकेशन है, बहुत बढ़िया बढ़िया सर्टिफिकेशन है, बट भाई प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं है ना। बॉडी बिल्डिंग के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल नॉलेज होती है ना, उतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। एंड ये जाके जाए किसी बॉडी बिल्डर से पूछ लो। Hey fam, what's up? This is Archit and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. I want to thank all of you. आप लोगों ने वो लाल कलर का बटन दबाया है जिसको हम कहते हैं सब्सक्राइब, जो हम सारे यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एंड सो हमारा एक और माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं अब फाइनली। यस, a 50,000 strong family. But this is just a beginning. You know, it's a long way to go. And now धीरे धीरे करके हम milestones भी complete करते रहेंगे. Plus, you know, आप लोगों को अच्छी अच्छी videos भी मैं देता ही रहूँगा. So इसके लिए आप लोगों को यार देखो कुछ नहीं करना, हर बार ही बोलता हूँ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड आप लोगों को ऐसी हफ्ते में दो बार ही मुझसे वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको इतनी सुंदर सुंदर टिप्स मिलेंगी, आप लोग अच्छे से बॉडी बिल्डिंग कर पाओ। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं देने वाला हूँ, आप लोगों को अपडेट दूंगा कि अब मेरा वेट क्या है, प्लस मैं आपको कुछ बॉडी शॉर्ट्स भी अभी दिखाऊंगा। ऑल्सो आई एम गोना कैरी अ डिस्कशन ऑन साम्स, बिकॉज मैंने दो वीडियोज बनाई साम्स की एंड आप लोगों को वो पसंद भी आई, बट कुछ लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो ऑफेंड हो गए पता नहीं क्यों एंड वॉट एवर रीज़न माइट बी। तो आज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूँगा, ऑल्सो मैं आप लोगों को और नॉलेज दूंगा कि ये क्या है साम्स यार, क्योंकि मैं गलत चीज़ नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना वेट बताता हूँ, सो लेट्स चेक इट आउट। सो मेरा वेट आया है अराउंड 69.5 एंड यू नो वॉट, आई एम कम्प्लीटली सैटिस्फाइड विद इट, बिकॉज मेरे को पता है मैंने 60 से शुरू किया था एंड अब 9.5 kgs is really good and मेरे को ऑलमोस्ट 3 महीने हुए हैं एंड नाउ आई कैन सी दैट देर इज मच बेटर राउंडनेस एंड मच बेटर हार्डनेस इन माई फिजीक, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम लिफ्टिंग हैवियर वेट्स, आई एम डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, मैं अपनी कैलरीज काफ़ी ज़्यादा हाई रखी हुई हैं, इट्स ऑलमोस्ट 4000 कैलरीज एंड ऑल्सो आई एम कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कैलरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, तो मेरे ग्लाइकोजन स्टोर्स जो होते हैं दोज आर ऑल द टाइम फुल एंड एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड हिटिंग PRs। मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा बिकॉज ऑब्वियसली आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू शो यू एंड जस्ट वेट फॉर इट गाइज, बिग थिंग्स आर कमिंग ऑन योर वे। तो अब हम चलते हैं साम्स के डिस्कशन के ऊपर, बिकॉज साम्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे एंड आई रियली वॉन्ट कि मैं वो कमेंट्स अच्छे से लाउड एंड क्लियर पढ़ूँ एंड उसका रिस्पॉन्स दूँ, बिकॉज इट्स बिन टू मच यार, काफ़ी लोग कुछ ज़्यादा ही बोल गए एंड मुझे अच्छा नहीं लगा, इवन दो यू नो आई डोंट रियली केयर, बट यू नो माई जॉब इज़ टू शट देयर माउथ, सो बेसिकली आई एम गोना डू दिस नाउ। एंड मैं तब भी एक चीज़ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आई गेस 50% लोगों का दिमाग शायद चेंज हो जाए, बट 50% लोग जो हैं वो तब भी यही सोचेंगे कि ये तो गलत है, ये तो नहीं लेना, इससे दुनिया खत्म हो जाएगी, भगवान जाने क्या क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट एम आई एक्चुअली टेकिंग। मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से कि MK677 मैं जो ले रहा हूँ दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन सेक्रीटोगॉग, मतलब कि दैट इज़ नॉट एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन, दैट इज़ नॉट इवन अ साम। MK677 का काम सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी सेक्रीशन बढ़ा देता है एंड इसका कोई डायरेक्ट मसल बिल्डिंग या फैट लॉस इफेक्ट नहीं है। बट फिर आप कहोगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरी मसल बिल्डिंग हो रही है, बिकॉज आई एम ईटिंग अ लॉट ऑफ कैलरीज।
यार MK677 से ये चीज तो होती है कि आपकी नेचुरल एपेटाइट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एटलीस्ट मैं बाकी लोगों की तरह अपने पिछवाड़े में तीर तो नहीं घुसा रहा ना। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कमेंट्स पढ़ूंगा एंड देन मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। साम्स आर अंडर स्टडी नॉट फुली स्टडीड, दीज आर नॉट सेफ, जाके रिसर्च करो, जीत सलाल ने वीडियो। भाई आप सबको सांस लेना इनकरेज कर रहे हो, ये बंद करो। मैं मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी हूँ भाई और जानता हूँ कि साम्स इज वेरी हार्मफुल। लिटरली लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड सो मच बिकॉज ऑफ साम्स, आई गेस नॉट फ्रॉम नेचुरल डाइट और फूड एंड शेक्स। एंड ऐसे ही भगवान जाने और कितने कमेंट्स आए थे, काफी तो मैंने रीड नहीं करे। तो सबसे पहले तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूँ जो ये अरिजीत मसाज व्लॉग्स का आया था, वही बायोटेक्नोलॉजी वाले हमारे मास्टर भैया। भैया ऐसा है कि हमने भी कर रखी है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड मुझे ये चीज़ तो अच्छे से पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के कोई भी कोर्स में भैया साम्स का तो मेंशन भी नहीं है, इसकी रिसर्च ही नहीं हो रखी। आपने कहाँ से पढ़ लिया भाई? और जेम्स बॉन्ड बनना है ना ज्यादा तो किसी और के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बनो, अगर मेरे अगेंस्ट बनना है तो एटलीस्ट एक वैलिड पॉइंट रखो। एंड अब मैं सबसे पहले वाले कमेंट पे वापस आता हूँ, एंड वो कमेंट तो काफ़ी सारे लोगों ने किया था कि एक जीत सलाल बंदा है, इसकी वीडियो देखो जरा। एंड मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ ना मैं उनके साथ हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं बोल रहा यार, बट मैं अपना पॉइंट प्रूफ करने वाला हूँ। मैंने उनकी वो वीडियो अच्छे से देखी बैठ के, एंड मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने वो वीडियो क्यों बनाई है। साम्स का ब्रेकडाउन क्या है? सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसका मतलब समझते हो आप? आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपकी मसल के अंदर जो भी आपके ऑर्गन होते हैं उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। नाउ स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे कि कोई भी सिंथेटिक टेस्टोस्टेरॉन, वो सिर्फ आपकी मसल या आपकी बोन रिसेप्टर्स ही नहीं, वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, वो आपके लिवर ग्लैंड, किडनी, भगवान जाने किस किस जगह के रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड होता है। बट साम्स के अंदर इट्स सेलेक्टिव एंड्रोजन, वो सिर्फ आपकी बोन एंड आपके मसल सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अंदर जाके बाइंड होता है। तो भाई वो कैसे आपके किडनी को इफेक्ट करेगा, कैसे आपके लिवर को इफेक्ट करेगा, कैसे आपके गोटों को इफेक्ट करेगा, कैसी बात कर दी यार। ज्यादा ज्ञान बांटने का शौक है तो एक चीज बता दूं ना कि साइंटिस्ट ने भी ये चीज डिस्कवर कर ली है कि साम्स का जो रेशियो होता है एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक, दैट इज 1:0, एंड उसका मतलब ये है दैट इट हैज हाई एनाबॉलिक मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज एंड वेरी लिटिल टू नन एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स। इतने सारे लोगों ने पता नहीं इतने सारे साइड इफेक्ट गिना दिए जो मुझे भी नहीं पता थे भाई, एंड होते भी नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार अगर कुछ लोग कमेंट कर भी रहे हो तो यार सोच समझ के तो करो, एक ऐसे इंसान के आगे तुम कर रहे हो जिसने खुद वो एक्सपेरिमेंट कर रखा है, जिसने खुद सांस ले रखे। हाँ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है, वो उसका एक साइड इफेक्ट है एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने वो बोला भी था आप लोगों को, बट यार इट्स कम्प्लीटली ओके बिकॉज एक 4 वीक पोस्ट साइकिल थेरेपी PCT के साथ आप अपने टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल कर लोगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत बड़ी चीज बता दूं, जैसे ही मेरे 4 वीक्स कंप्लीट होंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं LGD शुरू करूंगा। आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, LGD तो एक साम है एंड उससे सप्रेशन भी होती है। जब मैं LGD शुरू करूंगा तब मैं अपना ब्लड वर्क करवाऊंगा एंड मैं आपको वो रिपोर्ट पूरी अच्छे से दिखाऊंगा, एंड आफ्टर द साइकिल मैं फिर से अपना ब्लड वर्क करवाऊंगा एंड उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। तो इससे ज्यादा बढ़िया प्रूफ तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं दिया होगा आपको। जो भी साइंटिस्ट लोग थे कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने तो अच्छे से गूगल कर लिया होगा सारे चित्थे चाचड़े इनके ऊपर के साम्स क्या होते हैं। आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो मैं MK677 ले रहा हूँ वो सप्रेसिव नहीं है बिकॉज वो साम ही नहीं है। MK677 का टेस्टोस्टेरोन से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। और एक और चीज उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट किया कि भाई अजीत सलाल की जाके वीडियो देखो, भाई ऐसे बंदे से कभी एडवाइस मत लो जिसने खुद वो चीज नहीं ली हो। अगर आप लोगों ने साम्स नहीं लिए हैं तो आप होते कौन हो भाई बोलने वाले, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज है, बहुत बढ़िया है, सर्टिफिकेशन है, बहुत बढ़िया बढ़िया सर्टिफिकेशन है, बट भाई प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं है ना। बॉडी बिल्डिंग के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल नॉलेज होती है ना उतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, एंड ये जाके जाए किसी बॉडी बिल्डर से पूछ लो। फिल हीथ, जे कटलर, इन लोगों की सर्टिफिकेशन है क्या? नहीं, बट स्टिल दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हर इंसान की बॉडी अलग होती है ब्रो, हर इंसान की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किसी इंसान को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज है या कुछ भी है तो मैं पागल तो नहीं हूं ना यार मैं उनको रेकमेंड करूंगा। मैंने वीडियो में ये चीज साफ बोली थी कि अगर आप लोगों को 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो साम्स मत लेना,
एंड इवन तो मुझे कितने सारे पर्सनल मैसेजेस भी आए, मैंने सब लोगों को मना किया कि ब्रो आप साम मत लेना। मैं साम्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यार, मैंने बस जो चीज ली मैंने वो नॉलेज शेयर करी, एंड एटलीस्ट आई हैव द बॉल्स टू डू दैट। आई डोंट थिंक आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर आज तक ऐसी कोई वीडियो बनाएगा, सबकी फटती है यार। मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता यार, बट अगर मुझे बोलना पड़ा तो मैं जरूर बोलूंगा, बिकॉज आई विल ऑलवेज स्टैंड फॉर माई पॉइंट। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 2 साल से हूँ यार, नॉलेज मिल चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छे से पता है कि क्या चीज बतानी चाहिए क्या चीज नहीं बतानी चाहिए। ऐसे तो आप लोगों को अभी मेरे बारे में कितना कुछ नहीं पता है, और मैं बताऊंगा तो आप लोग वो भी सुनाना शुरू कर दोगे। गलत है यार ये, इंसान को जज करने से पहले देखो यार कि उसकी नॉलेज क्या है उस चीज के बारे में, उसका टेक क्या है उस चीज के ऊपर। और आप लोग कह रहे हो ना साम्स के ऊपर रिसर्च नहीं है, कोई स्टडीज नहीं है, अरे क्यों नहीं है भाई, आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, थ्योरेटिकल स्टडीज नहीं है बट प्रैक्टिकल स्टडीज बहुत है। आप लोग रेडिट पे जाओ, बॉडी बिल्डिंग फोरम्स पे जाओ, वहां पे क्वेश्चन पूछो अपने लोगों से कि आप लोगों ने साम्स लिए हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या इफेक्ट्स रहे आपके, क्या आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ, एंड आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन लोगों ने भी साम्स लिए होंगे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम दैट। स्टॉप लर्निंग वॉट एवर इज रिटन ऑन इंटरनेट एंड स्टॉप लर्निंग फ्रॉम दोज पीपल जिन लोगों ने वो चीज नहीं ली है, बिकॉज अगर आप लोगों की बॉडी के साथ आपको उस चीज का रिएक्शन नहीं पता तो आप थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ नहीं दे सकते। एंड फिर काफी लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया कि भाई आप तो सर्टिफाइड नहीं हो तो आप कैसे रेकमेंड कर सकते हो। तो पहली बात तो उन लोगों के लिए मैंने रेकमेंड किया नहीं, एंड मेरे को सर्टिफिकेशन की जरूरत भी नहीं। इफ साम्स गेव मी रिजल्ट्स समवॉट क्लोजर टू स्टेरॉइड्स विदाउट एनी पोटेंशियल साइड इफेक्ट, देन इट्स एब्सोल्युटली अ ग्रीन लाइट फॉर मी। आफ्टर ऑल यार एक इंसान हूं, आई एम अ ह्यूमन, आई लव माय बॉडी, मैं कुछ पागल नहीं करूंगा अपनी बॉडी के साथ उसको हार्म करने के लिए। ऑल्सो अगर आप लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो देन यू नो दैट आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट डूड, मैं किसी के लिए भी गलत नहीं करूंगा कभी। एंड मैं क्यों ऐसी कोई चीज रेकमेंड करूंगा विच इज गोना कॉज अ नेगेटिव इफेक्ट। हाँ यार ये ड्रग है, एंड अगर ड्रग है तो क्या दिक्कत है, दिमाग का सही से उपयोग किया जाए ना तो साम्स को आप बिना किसी हार्म के ले सकते हो। एंड एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ, आधे से ज्यादा लोग जिन्होंने ये कमेंट किए हैं ना नेगेटिव, खुद तो वो दारू सिगरेट जरूर पीते होंगे, उसका कुछ नहीं। एंड जिन लोगों ने ये चीज बोली है ना कि सर्टिफिकेशन नहीं है तो नॉलेज नहीं दे सकता, एक चीज बता दूं, आई डोंट वॉन्ट अ टाइटल बिहाइंड माई नेम और आफ्टर माई नेम, यू नो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिग्री भी नहीं चाहिए अगर मुझे अपना एक पॉइंट प्रूव करना है। आई जस्ट नीड दैट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एंड आई हैव दैट। मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, हमेशा दूंगा एंड पूरी दूंगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो। एंड अगर आप लोग मेरा चैनल काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो देन यू नो कि आई हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग बिफोर एनीथिंग एल्स। आई ओनली ट्राइड साम्स बिकॉज आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड आई वॉन्टेड पीपल टू नो दैट देयर इज अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू स्टेरॉइड्स। काफी लोग एंड लोगों से मेरा मतलब तो टीनेजर्स हैं जो सीधा स्टेरॉइड्स के ऊपर आ जाते हैं यार। आप लोगों को तो पता ही है यार इंडिया में फिटनेस इंडस्ट्री का क्या हाल है, ट्रेनर्स ने गंद मचा रखा है क्योंकि वो सब लोगों को सिर्फ स्टेरॉइड 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 ही करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को एक सेफर ऑल्टरनेटिव बता सकूँ ताकि वो लोग सीधा स्टेरॉइड्स के अंदर ना आए। एंड आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर मेरी वीडियो देख के कोई ऐसा बंदा जो स्टेरॉइड्स ले रहा है अपना माइंड चेंज कर ले एंड साम्स के ऊपर आ जाए। एंड जो लोग मुझे अननेचुरल कह रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर, फाइन आई एम अननेचुरल, इफ दिस इज वॉट इट्स मेंट टू बी देन फाइन, मैं अपने आप को अननेचुरल कहने के लिए रेडी हूं, बिकॉज मेरी जिंदगी यहाँ पे आके नहीं अटक गई कि वो नेचुरल है या अननेचुरल है। माई लाइफ इज अबाउट लिविंग इट एट इट्स बेस्ट। एंड मुझे अच्छे से पता है कि इतने नेगेटिव कमेंट्स एंड इतना हेट क्यों किया लोगों ने, एंड उसका रीजन ये है बिकॉज लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। कहने को तो लोग वे प्रोटीन को भी सुपर डेंजर बोलते हैं, बट जब से यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियोज बननी शुरू हुई है लोगों को अवेयरनेस मिली है, उन लोगों को पता चला है। इवन दो अभी भी मेजोरिटी ऑफ पीपल थिंक कि इट इज बैड, बट स्टिल काफी लोगों के अंदर दिमाग आ चुका है कि इट्स नॉट दैट बैड। एंड साम्स की ज्यादा वीडियोस कहाँ हैं यूट्यूब पे, जो है वो तो यही कह रहा है कि मत लो भाई ये तो सबसे गलत चीज है। अरे भाई प्रूव करो क्यों है गलत चीज, रटी हुई चीजें मत बोलो। एंड आई थिंक कि मैं सबसे पहला इंडियन फिटनेस यूट्यूबर हूँगा जो इसके बारे में सही बोल रहा होगा, जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। एंड उसका रीजन यही है बिकॉज मैंने ट्राई कर रखे हैं एंड सच सच रहेगा इवन आफ्टर अ मिलियन हेट कमेंट्स। ऑल्सो काफी लोगों ने यह भी बोला ना कि जो अब मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है इट्स ऑल साम्स। इफ यू थिंक ऑल ऑफ दिस इज साम्स then you have got to be kidding me bro. मैं सिर्फ MK677 ले रहा हूँ and it's not even a SAM. उससे सिर्फ मेरी appetite increase हुई है, तो मैंने अपनी calories boost करी है, इसीलिए मेरा weight बढ़ रहा है and I am looking better. So this is just hard work, pure dedication and eating a whoop ass number of calories. And lastly, before ending this video, I want to tell you something. मैं साम्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था यार, एंड उसका रीजन यही है जो आप लोगों के सामने अभी हो रहा है, मैं आप लोगों को ये अभी वीडियो बता रहा हूँ
मुझे पता था कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी, बट यू नो वॉट इज माई मोटिवेशन, देर इज वन पर्सन दैट आई ऑलवेज आइडलाइज सिंस द डे आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग एंड दैट पर्सन इज नो लॉन्गर विद अस नाउ, बट आप लोग भी उसको जानते ही हो, एंड उसका नाम है रिच पियाना. एंड आई थिंक मैनी पीपल नो हिम फ्रॉम अ बैड रेप्यूटेशन, बट आई हैव ऑलवेज आइडलाइज दैट पर्सन. एंड यू नो वाई? बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑन यूट्यूब. आप लोगों को शायद पता ही होगा यार, उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं छुपाया था. उसकी साइकिल्स, उसने पेप्टाइड, जो भी जितना भी लिया था सब कुछ बताया. एंड वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है यार कि मेरे को भी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो माई फैमिली इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. तो जाते जाते बस एक चीज़ यही बोलना चाहता हूँ कि हेट फैलाना बंद करो. दुनिया में हेट की कमी नहीं है, कमी है तो प्यार की कमी है, प्यार बांटो. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा. एंड मुझे अभी भी पता है कि काफ़ी लोग स्टिल कमेंट सेक्शन के अंदर नेगेटिव बोलेंगे, एंड दैट इज ऑल राइट. यू नो मेरे कमेंट सेक्शन कौन भरेगा यार. सो एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ थम्स अप बिलो एंड नाउ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. 50,000 तो हो गए ना, नाउ मेक श्योर अब हमारा नेक्स्ट गोल पूरा होना चाहिए एंड दैट इज 1 lakh. So what you have to do is subscribe. यहाँ पे बड़ा सा बटन बनाया है, इसको प्रेस कर दो. And also guys, इधर प्रेस करो पिछली वीडियो देखने के लिए, and इधर प्रेस करो मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस देखने के लिए. And now I'll catch you on Monday.